गाइस कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि अपन स्क्रैच में कैसे बेसिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपन एक सिंपल एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, जो कि मतलब सिंपल अपनी एक स्टोरी जैसा कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं एक अच्छा बैकड्रॉप लूँगा, मतलब ये अपनी स्क्रीन जो बैकड्रॉप होता है वो, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कितने अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं जो स्क्रैच में पहले से आते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक अच्छा अपन ले सकते हैं, जैसे कि एक अच्छा बैकड्रॉप लेंगे अपन। तो अपन ऐसे ले सकते हैं, आउटडोर्स में यहाँ पे से ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला देखते हैं। हाँ, ये अच्छा है। पहले तो मैं इस बिल्ली की स्प्राइट को डिलीट कर दूँगा और अपन एक नया स्प्राइट लेंगे, जो क्या होगा मतलब ये वाला। तो अपन इसको इधर से ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से ऐसा कुछ। और अपन दूसरे एक स्प्राइट लेंगे, जैसा कि मतलब ये डैनी, ये ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसकी साइज़ इधर से कम करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइज़ है, यहाँ पे मैं इसकी साइज़ करता हूँ जस्ट लाइक 50। हाँ, ये सही है। तो अपन अभी इसकी मतलब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मतलब मेरी स्टोरी कैसे होगी, जैसे ये इसकी मम्मी है और ये इसको स्कूल से लेने आई है, ये छोटा बच्चा है अभी। तो एक सेकंड में इसकी साइज़ और थोड़ी कम करता हूँ, 40 कर देता हूँ। हाँ, लाइक दैट। और अब अपन की स्क्रिप्ट सीखेंगे, जो कि मतलब ऐसे वो आएगी इधर से और फिर उससे पूछेगी कि चलो, और थोड़ा बहुत उससे मतलब ऐसे बातें करेगी वैसे। तो सबसे पहले अपन इवेंट्स में जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपने को ये स्प्राइट चाहिए होता है, सॉरी कोड चाहिए होता है, जो कि मतलब जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होता है तब इसके नीचे अपन कोड्स लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर अपन मोशन में जाएंगे और अपने को ये थोड़ा मतलब यहाँ पे होना चाहिए कि मतलब बस ये एंटर कर रही है, और थोड़ा यहाँ पर ऐसा आप देखेंगे स्क्रैच में से सेटअप है कि आपकी, देखो ये जो अपनी स्प्राइट है तो इसकी मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये जो लेडी की एक्स कोऑर्डिनेट इसकी है -267 और वाई कोऑर्डिनेट इसकी -4। तो जैसा आप देखेंगे तो इधर भी सेम चेंज हो जाता है। जैसे आप देखिए, अभी इसकी कोऑर्डिनेट्स ही है, मैं इसकी कोऑर्डिनेट्स चेंज करूँगा, जैसे यहाँ से रख के अपन इसको इधर रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मतलब अब हमको प्रोग्राम लिखने में बहुत इजी हो जाता है। तो जैसे मैं बोलूँगा गो टू दिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, तो इससे मतलब क्या हो जाएगा, जब अपन ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो वो इधर आ जाएगी। जैसे समझो आप उसको किधर भी रख लो और ग्रीन फ्लैग क्लिक करोगे तो वापस इधर आ जाएगी। देखो ये देखो वापस यहाँ पे आ गए, वो ऐसा होगा। और फिर अपन इसको बोलना चाहते हैं कि यहाँ तक चलो और इससे कुछ बातें करो। तो जैसे
अपन बोलेंगे मूव 10 स्टेप्स, और इसको अपन कंट्रोल्स में जाके रिपीट में ले सकते हैं क्योंकि ये रिपीट करेगा 10 टाइम। जैसे अपन इसको इधर रखेंगे, इसको इधर ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे। और हाँ चलो देखते हैं, ये 10 स्टेप्स बहुत कम हो जाते हैं। आई थिंक इसको अपने को करना चाहिए 100 स्टेप्स। तो जैसे आप देखोगे 100 स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेते हैं 80 स्टेप्स। जैसे देखो यहाँ पे नहीं, 80 स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे अपन ले सकते हैं 60 स्टेप्स। अब वापस देखते हैं रन करके इसको, नहीं 60 स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक इसे अपने को 10 स्टेप्स ही रखना चाहिए, तब शायद कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी। नहीं 10 स्टेप्स बहुत कम है, आई थिंक 30 स्टेप्स। यहाँ पे ये यहाँ थोड़ा इसको और आगे जाना चाहिए, तो मैं बोलूँगा जस्ट 40 स्टेप्स। तो जैसे अपन अब रन करके देखते हैं, ये यहाँ से आई और यहाँ तक चली गई। अब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये तो ऐसे सिंपल लग रहा है कि यहाँ से बस वो उड़ के जा रही है, अपने को वैसा नहीं करना है, अपन को ऐसा दिखाना है कि वो चल रही है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसकी, ये तो अपन यहाँ पे कोड्स में देखो, यहाँ पे ये कोड्स है अपना। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कॉस्ट्यूम्स और साउंड्स, मैं आपको कॉस्ट्यूम्स के बारे में बताऊँगा और साउंड्स के बारे में बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे देखे कॉस्ट्यूम्स में जाएंगे, और यहाँ पे देखो आप इसकी कितने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स है, जैसे यहाँ ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये मतलब ऐसा लगता है कि ये चल रही है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि मतलब चेंज करते रहो कॉस्ट्यूम और चलते रहो। जैसे ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, वो चल रही है। बस यहाँ पे यहाँ। तो अपन क्या करेंगे, कोड में जाएंगे और यहाँ पे अपने को लुक्स में एक ब्लॉक मिलेगा जो कि होता है स्विच कॉस्ट्यूम और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। तो स्विच कॉस्ट्यूम तो मतलब आप इसमें मतलब सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा कॉस्ट्यूम चाहिए, जैसे ये है, तो आप इसको नॉर्मल एक फर्स्ट स्विच पर रख सकते हो। और यहाँ पे देखो ये बी है, तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है। तो वैसे करके अपन इसको रख सकते हैं। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले बी कॉस्ट्यूम रखना अपना, तो मतलब उसका हाथ भी नहीं दिखेगा, बाद में मालूम पड़ेगा उसका हाथ है। ये देखो ये ऐसी आ रही है। तो अपने को क्या करना है कि ये धीरे 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 अपना कॉस्ट्यूम भी चेंज करते रहे, मतलब यहाँ पे आए तो कॉस्ट्यूम चेंज, यहाँ पे आए तो कॉस्ट्यूम चेंज, यहाँ पे आए तो कॉस्ट्यूम चेंज, ऐसे मतलब ऐसे लगना चाहिए कि वो चल रही है। तो अपन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला जो ब्लॉक है इसको अपन इधर देख लगा के ट्राई करते हैं। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये आपने देखा वो कॉस्ट्यूम चेंज कर रही है पर बहुत फास्ट हो रहा है, ये देखिए दिख भी नहीं रहा है वो। तो जैसे अपन बोलेंगे कि थोड़ा इसको स्लो करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पे जो अपना वेट वाला ब्लॉक है, वेट वाला, ये मतलब क्या करेगा कि उसको रुका देगा 1 सेकंड के लिए। तो अपन इसको इधर डालेंगे तो 40 टाइम्स रुकेगी, 40 सेकंड्स। तो मैं बोलूँगा 0.1 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा 0.5 सेकंड्स सही लगेगा। ये देखिए आराम से चल रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके रुक जाएगी, देखिए यहाँ पे आके वो रुक गई। तो अब अपने को ये बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा थोड़ा सा फास्ट करना, कि मतलब 0.3 सेकंड्स का, तो मतलब ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, कम टाइम रुकेगी वो। देखिए यहाँ पे देखो कितना फास्ट चल रही है।
ये यहाँ पे चलते हुए जाएगी और यहाँ पे जाके रुक जाएगी, क्योंकि ये कोड ख़त्म हो गया वहाँ पे। 40 times इसको रिपीट करने बोला था अपन ने, वो 40 times उसने रिपीट कर दिया ये इसके अंदर का। मतलब देखिए कोई सा भी आप लूप ले लीजिए, जैसे ये है रिपीट 10 times, आप उसके अंदर ये डालोगे तो वही चीज़ को 10 times रिपीट करेगा। तो ये ब्लॉक का मेन खासियत है। तो जैसे कि अभी अपन बोलते हैं कि वापस एक बार देखते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे धीरे 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 चलते हुए जा रहे आगे। तो अब अपन इसके आगे और ब्लॉक्स लगा सकते हैं ऐसे नीचे नीचे नीचे। अब जैसे अपने को उसको बोलना है कि कुछ बोलो, तो जैसे अपन बोल सकते हैं लुक्स में जाना। और सबसे पहले तो अपन इसकी कॉस्ट्यूम बी कर देंगे सेट, क्योंकि यहाँ पे भी अपन ने बी रखी थी सेट, तो इसको यहाँ पे अपन रख देंगे। तो अब देखो ये लूप ख़त्म होने के बाद में वो अपना कॉस्ट्यूम स्विच कर लेगी बी पे, आई वेरी वॉकिंग बी। और अपन इसके बारे में बोलेंगे कि यहाँ पे आके रुकना और ये लड़के से कुछ मतलब क्वेश्चन करना या उससे कुछ बातें करना। तो जैसे कि पहले तो अपन इसका कोड लिखते हैं कि जब अपन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो मतलब कुछ सेकंड्स के लिए रुकना, क्योंकि तब तक ये आएगी यहाँ तक और उसके बाद वो रुकेगी और फिर ये क्वेश्चन करेगी। तो जैसे यहाँ पे जाएंगे, एक मिनट उससे पहले अपन इसका कितना टाइम वो रुकी है उतना टाइम अपन उसके वो रुकने के लिए बोलेंगे। तो जैसे है कि 40 times वो मतलब 0.3 seconds के लिए रुकी है, तो अपने को इसका मतलब इस कितना टाइम वो रुकी है टोटल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अपने को उसको इतना सेकंड रुकाना पड़ेगा। तो ये मतलब हो जाएगा 0.3 × 40 हो जाएगा अपना 12 seconds। तो कंट्रोल में जाके अपन इसको 12 seconds वेट पे लगा सकते हैं, मतलब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ना। तो यहाँ पे वो रुक जाएगा 12 seconds के लिए, उसके बाद में कुछ बोलेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या लग रहा है, ये उधर उधर देख रहा है उल्टी दिशा में। तो अपन इसको बोल सकते हैं इसका कॉस्ट्यूम्स में जाएंगे और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, यहाँ पे ये सही है। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाता है कि वो उधर देख रहा होगा तो यहाँ पे देखेगा, वो अपने आप को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लेता है, मतलब आप समझ लें मिरर इमेज हो गया। तो अब उसके बाद में यहाँ पे ये कुछ बोलेगी, तो जैसे कि से ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मतलब अपन स्प्राइट को ऐसे स्पीच बबल के हिसाब से अपन उसको बोलने को बोल सकते हैं। जैसे अपन इसको बोलेंगे हेलो और इसके बाद में अपन डालेंगे हाउ आर यू। तो जैसे फिर यहाँ पे जाएंगे और 12 seconds नहीं, यहाँ पे ये 2 seconds के लिए बाद में वापस बोल रही है, तो अपने को 12 seconds प्लस 2 seconds और बढ़ाने पड़ेंगे और थोड़ा मतलब कुछ माइन्यूट पॉज होना चाहिए। तो अपन बोलेंगे कि जस्ट 12 + 2 + 0.5 second का गैप, तो 14.5 seconds का गैप, 14.5 seconds रुकना और उसके बाद में बोलना हाय आई एम फाइन। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अपन ने एक सिंपल एनिमेशन बना लिया है, यहाँ से चलते हुए जा रही है और
यहाँ पे आके पूछेगी, हेलो हाउ आर यू? हाय आई एम फाइन। ये थोड़ा मतलब बहुत आगे जा रही है, उससे एकदम चिपक रही है, तो मैं बोलूँगा इसको मूव 9 स्टेप्स, तो मतलब 40 स्टेप्स उसके कम हो जाएंगे। नहीं वैसा नहीं चाहिए अपने को, 10 स्टेप्स रहने दो। और यहाँ पे मैं इसको करूँगा 38 स्टेप्स। तो जैसा आप देखोगे फ्लैग को क्लिक करने के बाद ये चलते हुए आ रही है, जा रही है जा रही है। हेलो हाउ आर यू? हाय आई एम फाइन। और फिर अपन इसको मतलब बोलने के बाद में कुछ और बोल सकता है कि टुडे इन स्कूल आई हैड मच फन, ऐसा। और बाद में इसको अपन बोलेंगे वेट फॉर 4 सेकेंड्स, क्योंकि ये 4 सेकेंड्स के लिए बोल रहा है, यहाँ पे 2 सेकेंड्स और यहाँ पे 2 सेकेंड्स, और ये तो इसके लिए अलग से है। तो अपन इसको बोलेंगे वेट फॉर 4.5 सेकेंड्स, क्योंकि थोड़ा मतलब माइनर पॉज होना चाहिए डायलॉग्स के बीच में। तो जैसे आप समझो 4.5 सेकेंड्स का गैप दे दिया, फिर उसके बाद में बोलना से ओ वाओ व्हाट फन डिड यू हैड, ऐसे। और फिर इसको भी अपन थोड़ा वेट देंगे, क्योंकि यहाँ पे यह बोल रही है, और वेट देंगे, कंट्रोल्स में जाएंगे, वेट फॉर 2.5 सेकेंड्स, और फिर बोलना कि आई प्लेड इन द स्कूल ब्रेक विथ माय फ्रेंड्स। ये हो गया कुछ सिंपल एनिमेशन। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे से चलते हुए जा रही है, और हेलो हाउ आर यू? हाय आई एम फाइन। टुडे इन स्कूल आई हैड मच फन। ओ वाओ व्हाट फन डिड यू हैड? आई प्लेड इन द स्कूल विथ माय न्यू फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ बन गई हमारी सिंपल एनिमेशन। ऐसे और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।